इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 1 जुलाई के दिन भी कई घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए साल के 7वें महीने का ये पहला दिन यादगार बन गया, जब केंद्र की मोदी सरकार 1 जुलाई 2017 को GST प्रणाली को अमल में लेकर आई। देश की कर प्रणाली में सुधार में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया। देश दुनिया के इतिहास में 1 जुलाई की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज ही के दिन 1781 में मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज सेना के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। 1881 में आज ही के दिन टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई थी। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म आज ही के दिन 1882 में हुआ था। इस दिन को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे गवर्नर बेनेगल रामा राव का जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक का जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध हिंदी तथा साहित्यकार अमरकांत का जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ था। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म आज ही के दिन 1927 में हुआ था। हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं के उत्कृष्ट लेखक और सुधारक सुधाकर पांडे का जन्म आज ही के दिन 1927 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव का जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था। परमवीर चक्र विजेता भारतीय सैनिक अब्दुल हमीद का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जन्म आज ही के दिन 1949 में हुआ था। आज ही के दिन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ कल्पना चावला का जन्म आज ही के दिन 1961 में हुआ था। कोलंबिया अंतरिक्षयान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में वो भी शामिल थीं। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक एवं संगीतकार उस्ताद राशिद खान का जन्म आज ही के दिन 1966 में हुआ था। आज ही के दिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रमों की घोषणा की थी। 1979 में आज ही के दिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी सोनी ने वॉकमैन पेश किया था। आज ही के दिन वर्ष 2000 में लॉर्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया था। 2003 में आज ही के दिन समुद्र में सबसे गहराई तक जाकर विश्व कीर्तिमान बनाने वाली जापानी पनडुब्बी प्रशांत महासागर में लापता हो गई थी। आज ही के दिन 2000 में अमेरिकी संसद की समितियों ने भारत अमेरिकी परमाणु समझौते को मंजूरी प्रदान की थी। 2008 में आज ही के दिन गाजा पट्टी के फलिस्तीनी विद्रोहियों ने दक्षिणी इसराइल पर रॉकेट से हमला किया था। आज ही के दिन 2007 में भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।